एक ऐसा समय था जहाँ पर कई रिश्तों की नींव डगमगा गई थी। घर पर बैठे बैठे इतना चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा हर किसी के मन में घर कर गया था कि वो अपने अपनों से ही झगड़ने लगा था। कुछ ऐसा ही रूबीना और अभिनव के बीच भी हुआ। रूबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला की लॉकडाउन के दौरान तलाक लेने तक की नौबत आ गई थी। ये तो रूबीना ने अपने हर इंटरव्यूज में कहा है कि मेरी और अभिनव की बहस होती है, हमारी इतनी बहस होती है कि क्या कहें, लेकिन हम एक मच्योर कपल की तरह बैठकर डिस्कस करते हैं और उस हेल्दी डिस्कशन से हम कोई कॉन्क्लूजन निकालते हैं। हम इस नतीजे पर आते हैं कि कौन सही है और उसी की बात मानी जाती है। वेल, इन सब के बाद भी आखिर कैसे आ गई तलाक की नौबत? दरअसल लॉकडाउन में छोटे छोटे कामों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर रूबीना और अभिनव के बीच झगड़े होने लगे। अभिनव रूबीना के काम में कमियां निकालने लगे और रूबीना दिलाइक को ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। लिहाजा रूबीना दिलाइक का पेशेंस जब खत्म हो गया तो उन्होंने अपने घर वालों को फोन करके ये कहा कि वो अलग होना चाहती हैं। लेकिन फिर अभिनव और रूबीना की मैच्योरिटी और इनके प्यार ने ऐसा होने ना दिया। दोनों में प्यार ही इतना है कि दोनों के बीच चिड़चिड़ापन और गुस्सा इस प्यार पर ज्यादा समय टिक ना सका। लिहाजा रूबीना और अभिनव ने अपने रिश्ते को संभाला और अब दोनों एक साथ बिग बॉस के घर में नजर आ रहे हैं। वेल, ये बात तो सही है, झगड़ा हर रिश्ते में होता है और जो कहता है कि हमारे बीच झगड़ा नहीं होता वो झूठ कहता है। वो तो आपने सुना ही होगा, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ आवाज होनी तय है। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।